और मैं अभी मौजूद हूँ जयंत चेक पोस्ट पे, जो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे जो है चेक पोस्ट मौजूद है। और आज जो है दीपावली है, दीपावली के अवसर पे आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सिंह और मैं अभी मौजूद हूँ जयंत चेक पोस्ट पे, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को जो है ऊपर लगा हुआ है चेक पोस्ट। और यहाँ जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को देखते हैं मुस्तैदी से जो है चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग के दौरान जो है आने जाने वाले सभी गाड़ियों को जो है चेक किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का जो चुनाव प्रभावित करने वाली सामग्री जो है उत्तर प्रदेश से जो है मध्य प्रदेश की सीमा में जो है शामिल न होने पाए, उसको लेते हुए जो है मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है चेकिंग अभियान लगा कर रखी हुई है। किसी भी गाड़ियों को आने जाने वाले गाड़ियों को जो है बिना चेक किए हुए जाने की अनुमति नहीं है यहाँ। और उसके साथ साथ जो है मध्य प्रदेश पुलिस के साथ जो है और भी फोर्स जो बाहर से चुनाव कराने के लिए आई हुई है, वो फोर्स लगी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं। एक एक गाड़ियों को जो है खड़ी करा करके जो है विधिवत जो है अंदर से बाहर और डिक्की सारी चीज़ों को जो है चेक किया जा रहा है। इस अभियान में जो है जयंत पुलिस के साथ साथ जो है नगर पालिक निगम सिंगरौली से भी एक कर्मचारी नियुक्त हैं, जो सभी आने जाने वाली गाड़ियों को का नंबर जो है नोट कर रहे हैं कि कौन सी वाहन जो है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर जो है प्रवेश किया हुआ है। कोई जो है सामान सीमा के अंदर जो है प्रवेश न करने पाए, किसी प्रकार का कोई हथियार प्रवेश न करने पाए। इसी संदर्भ में हम यहाँ जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये जो चेकिंग लगी हुई है विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसमें किन किन चीज़ों का जो है विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जो एक एक चीज़ जो है डिक्की के नीचे तक जो है खोल खोल करके जो है पुलिस बल के द्वारा जो है देखा जा रहा है। और यहाँ जो है मध्य प्रदेश पुलिस के साथ जो है भारत तिब्बत जो है सीमा पुलिस बल भी साथ में लगी हुई है। जैनपुरी एरिया में जो है इसी बटालियन की पुलिस जो है लगी हुई है, तिब्बत सीमा पुलिस बल, ये जैन चौकी से हैं। सर, कुछ बताएंगे कि किन चीज़ों की चेकिंग चल रही है और क्या क्या चीज़ों पर आप लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं? बाहर से यूपी से आने वाली चीज़ें जैसे दारू शराब पैसा, हाँ हाँ, इनके बारे में, और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं गाड़ियाँ चेक करना है, कैसे लोग कैसे आ रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं जी, इसी के संबंध में पूरी जानकारी चेक कर ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं। और जो संदिग्ध समझ में आता है वो पूछताछ करते हैं। अच्छा, जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन गाड़ियों का नंबर वगैरह भी लिख कर आप लोग रखते हैं कि कौन कौन सी कितनी गाड़ियाँ जो हैं इस बॉर्डर से जो है क्रॉस करके अंदर गई हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनका मोबाइल नंबर, नाम और कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। अच्छा, यहाँ आप लोगों के साथ में जो है जैन पुलिस के साथ कौन कौन लगा हुआ है इस सुरक्षा व्यवस्था में? आईटी कंपनी के हैं और ये नगर निगम के हैं। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद। आइए, हम नगर पालिक निगम सिंगरौली के स्टाफ लगे हुए हैं। सर, ये बताएं कि ये जो किन चीज़ों की चेकिंग कर रहे हैं और आप लोग जो है रजिस्टर में किन किन चीज़ों को जो है नोट कर रहे हैं? जो अवैधानिक सामग्रियां होती है जी, और 50,000 से अधिक का कैश, हाँ, और कोई संदेहास्पद सामग्री जो चुनाव को प्रभावित करने में लोग यूज कर सकते हैं, ऐसी सामग्रियों को हम लोग जब्त करते हैं जिनका कोई दस्तावेज उनके पास नहीं रहता। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इन चीज़ों को जो है लेकर के जो है आप सीमा से अंदर नहीं जा सकते हैं? हाँ, सीमा से अंदर नहीं जा सकते हैं, उसको जब्त कर लिया जाता है। अच्छा, उनको फिर वो जब जो जब्त हो जाएंगे उनको कैसे दिया जाएगा? वो जब्ती हो करके फिर कलेक्ट्रेट में वहाँ डेली उनकी मतलब एक कमेटी बनी है, डेली कमेटी बैठती है, कमेटी निर्णय लेती है, अगर सही दस्तावेज वो दिखा देते हैं, अपना पक्ष सही रखते हैं, तो उनको फिर छोड़ दिया जाता है। सामग्री जितनी भी वाहनें जो है इस रोड से क्रॉस करती हैं, सारी वाहनों को जो है आप लोग एंट्री करते हैं रजिस्टर में? सारे वाहनों को एंट्री करते हैं, ये MCL के ट्रक वगैरह जो नई एंट्री करते हैं, जो निरंतर आने जाने वाले हैं, जो MCL के हैं तो यही लोकल डेली आते जाते हैं। अच्छा, ऐसे ट्रक है, कुछ उनके वाहन हैं जो मतलब कर्मचारियों को लाते ले जाते हैं, स्कूली वाहन है। अच्छा, दिन में बच्चे आते जाते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते।
अच्छा, उसके अलावा जो भी निजी वाहन है और जो आती है उन सारी वाहनों को जो है विधिवत तरीके से चेक करके ही यहाँ से आप लोग जाने की अनुमति देते हैं। टू व्हीलर भी चेक कर लेते हैं, उनकी डिग्गी वगैरह चेक करते हैं और फोर व्हीलर चेक करते हैं। चलिए धन्यवाद। बस वगैरह भी चेक कर लेते हैं। आपका नाम? बीएम सिंह, नगर पालिका निगम, नगर निगम। चलिए, मैं नगर बीएम सिंह जी उनसे जो हम बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि इस सीमा से क्या किन चीज़ों को लेकर के जाना है, जाने के बाद जो है अगर किसी भी तरह की जो है आपत्तिजनक सामग्री अगर पकड़ जाती है तो उस आपत्तिजनक सामग्री को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, या जो सामग्री है उसका जो है प्रूफ देने के बाद उसको लीगल बताने के बाद जो है कहाँ से जो है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के साथ जो है मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। मैं था राजकुमार सिंह और जैसा कि आप देख रहे थे मैं अभी मौजूद था पुलिस सहायता केंद्र जयंत जिला सिंगरौली, जो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये सरहद सीमा है और यहाँ जो है एक बैरियर लगी हुई है और इस बैरियर पे ही जो है ये सारी चेकिंग जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नमस्कार।